2023 क्राइम नेबर महाकाली पीएस, एक स्नैचिंग हुआ था सेलफोन का एंड उस केस के बारे में हम जांच कर रहे थे एंड बहुत लोगों को इंक्वायरी किए लोगों से एंड सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर रहे थे, प्रीवियस क्रिमिनल्स को भी हमने पूरा जांच किए हैं। बहुत मेहनत के बाद हमें दो लड़के मिले हैं, एक कृष्णा है, ये इधर के नहीं है पर इधर रहते हैं उनके सिस्टर के घर पे, 23 उम्र का है ये, रैपिडो बाइक चलाने वाला काम करता है। इसको एक सोच आया था कि हमें भी एक बाइक चाहिए एंड उसके दोस्त से एक बाइक लेके बजाज पल्सर NS200 व्हीकल। ये एक और लड़का जो छोटा लड़का है जुबिनाइल है, उनका साथ लेके पूरा सिटी में मतलब हैदराबाद साइबराबाद राजकुंडा में हमको अभी पता चल रहा है कि नो ऑफेंसेस किए हैं, नो सेलफोन्स आप देख सकते हो इधर, पूरा स्मार्टफोन्स है, वन प्लस रियलमी रेडमी सैमसंग वीवो, वर्थ तो बहुत ज़्यादा ही होगा इसका एंड ये फोन्स ये लोग स्नैच करेंगे विक्टिम्स से, अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स जो अपने फ़ोन लेके जाते हैं बस देखते रहते हैं रोड पे कहीं भी, ये लोग टू व्हीलर में जाके उनसे स्नैच करेंगे। इसलिए हमने 382 IPC सेक्शन डाले हैं, इस सेक्शन के अंडर उनको 10 साल की सज़ा मिल सकती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। इट इज़ वेरी बैड क्योंकि ऐसी ऑफेंसेस करने वाले ऑफेंडर्स बाद में दे कैन टर्न इन टू बिगर ऑफेंडर्स, जैसे कि चेन स्नैचिंग भी कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसा कदम ये है कि 382 लगाने के ऊपर एंड पब्लिक को ये विज्ञप्ति करते हैं हम कि कभी भी स्नैचिंग का ऑफेंस आपके साथ हुआ, नहीं तो आपके जो जान पहचान वाले हैं उनके साथ हुआ तो जरूर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल कर दीजिए, आपको 90% चांस है कि आपका फोन वापस मिल जाती है, उससे ज़्यादा भी चांसेस है। आजकल हमारा टेक्नोलॉजी एक और बन गई है जिसकी वजह से लॉस्ट फोन्स को भी हम ढूंढ के दे रहे हैं, तो स्नैचिंग का तो बिल्कुल अब डेफिनेटली पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट देनी चाहिए। लोग कब से कर रहे हैं मैडम, कितने दिन से? ये तो एक महीने से 15 डेज से कर रहे हैं, उसके पहले इनका हिस्ट्री हमें इतना पूरा नहीं पता है पर नेक्स्ट पुलिस कस्टडी में लेके और जांच करने वाले हैं। चल 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 चल